पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूँ। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। मैं माननीय इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। मान्यवर, और दूसरा किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठो, बैठ जाइए। नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर, अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार, दूसरी गलती, दूसरा भी संदर्भ और कर दें आप, गलती नहीं संदर्भ, सॉरी। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूँ। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा, एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, (सीज फायर) मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और पर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के, मेरी गलती थी। मैं सब किसी को कोट नहीं कर रहा।
ये कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। माननीय वर बोल रहे उसको इतना बड़ा ध्यान हो गया, देश की भूमि पे यूजी को लगता है सिर्फ मिस्टेक। माननीय वर मान्यवर, अरे यार नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मान्यवर मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं राजा? मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। इधर क्या हो रहा है? बैठिए प्लीज, बैठिए आप भी बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी, एक सप्ताह झगड़ा निपट ले, ये राजा बोलेगा या गोगोई बोलेगा, कौन सा जी बोलेगा, वो निपट ले फिर उनको अनुमति देना। मिनिस्टर the words which are being used as against Nehru by the Home Minister are not at all matching to the stature of Home Minister. Maninya Gram Minister, okay, please पीछे से सीनियर मेंबर कह रहे हैं आपको, प्लीज बैठ जाइए। आपने बोल लिया था प्लीज। अरे आपने कोट किया है, बैठो अभी। माननीय गृह मंत्री जी आपका रिकॉर्ड में जा रहा, बाकी रिकॉर्ड में जा रहा। माननीय उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था तब भी निर्णय बहुत आनन फानन में लिया गया, मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था, इसकी जगह 35 पर ले गए, वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं, मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है, आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं, आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था।